हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो यहाँ पर आरती ड्रग्स के Q3 के नंबर्स आ चुके हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कंपनी ने क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे कैसा परफॉर्म किया है और आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले आपको बता दें तो रेवेन्यू अगर यहाँ पर आप देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 9% की ग्रोथ दिखाई है, 9% इंक्रीज हुआ है और इस क्वार्टर में कंपनी ने 634 करोड़ का रेवेन्यू किया है। उसी के सामने अगर आप नेट प्रॉफिट देखते तो वो 38% से इंक्रीज हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे और 58 करोड़ का प्रॉफिट किया है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में। अब रेवेन्यू अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 18% से इंक्रीज हुआ है, लेकिन उसी के सामने नेट प्रॉफिट देखते तो वो 14% से गिरा है और 58 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया है। यहाँ पर भी वैसा ही है कि जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है कंपनी का वो बढ़ गया है और जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो यहाँ पर थोड़ी सी डिक्रीज हुई है। दैट्स वाई यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो नेट प्रॉफिट फॉल यहां पर दिखा है, तो यहां पर कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं वो ठीक ठाक आए हैं। अब यहाँ पर मार्केट प्राइस की बात करें तो 5 ईयर हाई तो है 1026.95 रुपीज़, बट करंटली 503.10 पे ट्रेड कर रहा है, 1.11% अप है। तो ये मार्केट के ऊपर डिपेंड है कि लाइक वो नेगेटिव में लेगा पॉजिटिव। हाल फिलहाल मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जा चल रहा है तो इसलिए जो शेयर प्राइस है वो भी थोड़े थोड़े ऊपर है, लेकिन एग्जैक्टली कल या परसों तक आपको पता चलेगा कि ये शेयर में आपको नेगेटिविटी दिख रही है या पॉजिटिविटी, मतलब ऊपर जा रहा है या नीचे जाएगा। ओके, तो यहां पर आप इस शेयर को अपने रडार पे रख सकते हो एंड आफ्टर दैट ही आप इसके अंदर पोजीशन अपनी बनाना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और इफ आपके कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।